नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 5 मई को चंद्र ग्रहण, 4 राशियां होंगी माला माल। दोस्तों, साल 2023 का प्रथम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो बैसाख महीने की पूर्णिमा को रहेगा। इस ग्रहण के दौरान बहुत सारी घटनाएं होंगी। तो वहीं सूर्य, बुध, देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति भी बनी रहेगी। ये काफ़ी भयंकर चंद्र ग्रहण रहने वाला है और ये काफ़ी लंबा और बड़ा चंद्र ग्रहण रहने वाला है। आपको बताना चाहेंगे कि 5 मई को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण सभी राशियों पर ये अपना अलग अलग प्रभाव डालने वाला है, परंतु सभी राशियों में से 4 राशियां ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली हैं। उनको करोड़ों का धन मिलने वाला है, वो धन से मालामाल होने वाली हैं। दोस्तों, इस ग्रहण के प्रभाव से देश में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। कई प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं, जैसे तूफान, भूकंप जैसी स्थिति हो सकती है। दोस्तों, 5 मई 2023 को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण, इसका सही समय और सूतक काल, इसके अलावा कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां रहेंगी जो मालामाल होने वाली हैं और किस प्रकार का प्रभाव इन राशियों पर पड़ेगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भारत के किस हिस्से में दिखाई देगा और कहाँ कहाँ दिखाई देगा, किस किस देश में दिखाई देगा, ग्रहण काल का सूतक काल का समय और ग्रहण काल में बरती जाने वाली उन महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ ही उन सभी शुभ कार्यों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। ग्रहण काल के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, निश्चित तौर पर आपको इसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा और जीवन में चली आ रही किसी भी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, 5 मई 2023 को लगने वाला साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि को रहेगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा जय चंद्रदेव। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का जो बुरा प्रभाव है ये सभी पर देखने को मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, कुछ जातकों के लिए अच्छा शुभ प्रभाव देखने को मिलता है, तो वहीं कुछ जातकों के लिए यानी कुछ राशियों के लिए बुरा प्रभाव भी ये ला सकता है। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि ये जो साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, ठीक इसके 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण भी लग चुका है। दोस्तों, अब ये बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि को चंद्र ग्रहण, साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और दोस्तों, भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में, अफ्रीका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर और अमेरिका के कुछ हिस्सों में, यूरोप के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। साथ ही भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं सूतक काल की। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। तो सूतक काल की जो प्रारंभ का जो समय रहेगा, 5 मई को दोपहर 11:45 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। चलिए अब हम ग्रहण के समय के बारे में बात कर लेते हैं, ग्रहण किस समय से किस समय तक रहेगा। इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 5 मई को रात्रि 8:45 पर यह शुरुआत हो जाएगी और समाप्ति का जो समय रहेगा, रात्रि 1:02 पर हो जाएगा। लगभग 4 घंटे 16 मिनट का यह चंद्र ग्रहण रहेगा। इस बार का यह चंद्र ग्रहण तुला राशि और विशाखा नक्षत्र में लग रहा है। दोस्तों, ग्रहण काल के दरमियान बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ विशेष सावधानी बरतने से जीवन में सफलताएं मिलती है और ग्रहण के निगेटिव से बचा जा सकता है। बालक, रोगी एवं वृद्ध को छोड़कर किसी भी प्रकार के भोजन नहीं करना चाहिए। किसी को भी खान पीन के पदार्थों में तुलसी दल जरूर रख देनी चाहिए और साथ ही इस दौरान आप किसी भी प्रकार के चाकू, सुई, सब्जी, फल आदि काटना वर्जित है, सोना वर्जित है, भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण काल में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि साल 2023 का ये पहला चंद्र ग्रहण है और इसका सभी राशियों पर असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ग्रहण काल के समय जरूरतमंद लोगों को दान करना यानी कि शुभ माना जाता है और सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रंथ यानी कि जब ग्रहण लग जाए
तो उस समय मंदिर के कपाट बंद कर दें और पूजा पाठ ना करें। देवी देवताओं की मूर्ति को छूना वर्जित माना गया है। ग्रहण काल के दरमियान कोई भी शुभ कार्य ना करें और ग्रहण काल के दरमियान आप ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम चंद्र देवाय इस मंत्र का जाप करें और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद जरूरतमंद लोगों को दान जरूर करें। पूरे घर को गंगा जल से छिड़काव करें। ग्रहण काल के दरमियान गर्भवती महिलाओं को धारदार वाली वस्तु बिल्कुल नहीं छूनी चाहिए। कोई भी चीजें बिल्कुल ना छुएं, जैसे कैंची, सुई, कोई भी चीजें, यानी कि और बाहर बिल्कुल ना निकलें गर्भवती महिलाएं। ग्रहण के बाद आप यथा योग संभव अन्न का, वस्त्र का दान जरूर करें। गरीब निर्धन को भोजन खिलाएं और ग्रहण के समय तुलसी दल का सेवन जरूर करें और सभी खाद्य वस्तु में तुलसी का दल पहले ही रख लें, इसके बाद ही उसका सेवन करें, वरना उसको फेंक दे बाहर। दोस्तों, इस ग्रहण का प्रभाव यानी कि काफी अच्छा भी पड़ेगा कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए बुरा प्रभाव पड़ेगा। पैसे से जुड़े, धन से जुड़े कोई भी समस्याएं हैं तो उससे आपको छुटकारा दिलाने वाला भी साबित होगा, परंतु यह चंद्र ग्रहण हमारे देश के लिए भी काफी ज्यादा बुरा प्रभाव लाएगा। कई देशों के लिए ये कई मुसीबतों को लाने वाला है। दोस्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं एक एक करके इन सभी राशियों का हाल कि कौन सी ये राशियां हैं जो इस बार के चंद्र ग्रहण में धन से मालामाल होने वाली हैं, जिनके लिए यह चंद्र ग्रहण काफी शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के आपको बताना चाहेंगे कि आपको विदेश से धन का लाभ होगा। इस चंद्र ग्रहण के दौरान जीवन साथी के माध्यम से धन का लाभ हो सकता है, कह नहीं सकते, पर एक से ज्यादा धन के स्रोत नजर आएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो किसी व्यापार में आपको हाथ आजमाना पड़ सकता है। लाभ और आमदनी दोनों बढ़ी रहेगी। कई प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण योजनाओं पर लाभ होगा और यह समय आपके जीवन में खुशियां से भर देगा। आपके मन में प्यार और रोमांस के फूल खिलेंगे। चारों तरफ का माहौल सकारात्मक नजर आएगा। नौकरी में बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो आप सफल रहेंगे। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को इस चंद्र ग्रहण के दौरान शुभ समाचार मिलेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। बचत करने में सफल रहेंगे। आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी। सरकारी संगठन या फिर सरकारी परियोजनाओं के लिए अगर आप कोई भी काम करते हैं तो बेहद सावधानी से करें। बाईं आंख या फिर पैर में चोट लगने की आशंका होगी तो संभल के रहें। यह समय स्वास्थ्य के लिहाज से ध्यान देने योग्य होगा क्योंकि जरूरत से ज्यादा काम करना आपके लिए थकान और बीमार भी कर सकता है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपकी योजनाओं पर गति बनी रहेगी, आपको उसका उचित परिणाम प्राप्त होगा। दोस्तों, बता दें कि कई प्रकार के शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और बता दें कि इस समय आपको इनकम की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब अगली जो राशि आती है दोस्तों, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि को यह चंद्र ग्रहण आपके लिए काफी शुभ रहेगा। बड़े पद पर आसीन लोगों का लाभ होगा। उच्च अधिकारियों को सपोर्ट प्राप्त होगा। बता दें कि यह ग्रहण आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। विदेश की यात्रा भी आपको करवा सकता है। विदेश जाने के योग बन रहे हैं। अटका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन के लिए संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलेगी। विरोधियों को मात दे पाएंगे। आपको राजनीतिक लाभ और व्यवसायिक सफलताएं मिलेंगी। साथ ही मान सम्मान में वृद्धि होगी। ग्रहण के बाद आपको अचानक धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। कई प्रकार की जो आर्थिक समस्याएं थी, परेशानियां थी, उसमें आपको लाभ होगा। धन संबंधित जो परेशानियां थी वो दूर होती नजर आएगी। इनकम जबरदस्त बढ़ेगी। इनकम के बढ़ने से लाभ देखने को मिलेगा। अब जो अगली तीसरी राशि आती है वो है यहाँ पर कन्या राशि। कन्या राशि को बता दें कि यह चंद्र ग्रहण आपके लिए काफी शुभ रहेगा। धन प्राप्ति के लाभ मिलेंगे। अचानक धन का लाभ होगा। आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। साथ ही बता दें कि खर्चों में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। कई जगहों से आपको धन का लाभ होगा। जो कार अभी तक नहीं बन पा रहे थे वो कार बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही बता दें कि विरोधियों को मात दे पाएंगे। कई बड़े अवसर पर आपको यानी लाभ हो सकता है। अधूरे कार्यों में आपको लाभ होगा और साथ ही साथ जीवन साथी से आपको लाभ होगा। जीवन साथी का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। संतान की प्राप्ति, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आप काफी आगे रहेंगे। कई प्रकार के बड़े लाभ मिलेंगे। जो कुछ कार्य अधूरे थे, पेंडिंग थे, उनमें लाभ होगा। बता दें कि इसमें सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। कई बड़ी परियोजनाओं का लाभ मिलेगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। रिश्तेदारों में भी आपके यानी कि जो सुलह होंगे और कई जो जमीन प्रॉपर्टी को लेकर चल रही थी विवाद या फिर परेशानियां, वो परेशानियां भी अब दूर होती नजर आएगी। तो कई बड़े अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होते नजर आएंगे। अब जो चौथी राशि है जो धन से मालामाल होने वाली है वो है यहाँ पर दोस्तों मीन राशि। आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे।
मीनराश कैतकों और आपको आकस्मिक धन लाभ मिलने की संभावना है। पैतृक संपत्ति में भी आपको विशेष धन लाभ होगा। अगर आप पहले से निवेश किए हुए हैं तो विशेष लाभ होगा और साथ ही कहीं ना कहीं से धन मिलेगा। कहीं पर अटके हुए पैसे हैं वापस मिल सकते हैं। रुके हुए कार बनेंगे। परिवार में किसी भी सदस्य का विवाह हो सकता है। घर का माहौल काफ़ी अच्छा और खुशियों से भरा रहेगा। घर में धार्मिक अनुष्ठान भी हो सकते हैं। शुभ फलों की प्राप्ति के योग बनेंगे तो इसमें आप काफ़ी भाग्यशाली रहेंगे। लाभ के योग बनेंगे। आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। इन चार राशियों के लिए यह चंद्र ग्रहण बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। वित्तीय मामलों में सुधार होगा और साथ ही साथ बता दें कि इसमें कई ग्रहों की युति बन रही है, जैसे कि राहु की, सूर्य की, देवगुरु बृहस्पति की और बुध ग्रह की। तो इन युति के कारण राजयोग और धनयोग का यानी कि योग भी बन रहा है, जिसके कारण इन चार राशियों के लिए बहुत ही बड़ा अवसर है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी अपनी राशि का हाल जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में लिख दें जय चंद्रदेव।